अलीगढ़ में पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार की देर रात की है। बताया जा रहा है कि थाना मडराग क्षेत्र के आबूपुर इलाके में रहने वाले शैलेंद्र कुमार शराब पीने का आदी है। शराब पीने को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। इसी बीच पति शैलेंद्र पत्नी से मारपीट करने लगा। तभी 18 वर्षीय बेटी शालिनी बीच बचाव करने आई, तभी पिता ने तमंचे से उसको गोली मार दी। गोली बेटी को जाकर लगी। बेटी शालिनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद पिता शैलेंद्र फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र देर रात शराब पीकर घर लौटा और पत्नी अर्चना से मारपीट करने लगा। इस दौरान बेटी शालिनी ने बीच बचाव किया। उसने अपने पिता की हरकतों का विरोध किया तो बेटी को लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। इतने पर भी पिता का गुस्सा शांत न हुआ और तमंचा ले आया। इस दौरान उसने बेटी को गोली मार दी, जिसमें एक गोली उसके सीने में और दूसरी कंधे में लगी। घटना के बाद आरोपी पिता फरार हो गया। इस घटना की सूचना जब शालिनी के मामा ललित को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी इगलास राघवेंद्र सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मामा ललित ने अपने बहनोई शैलेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं क्षेत्राधिकारी इगलास राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगा दी है। जांच में सामने आया है कि आरोपी शैलेंद्र शराब पीने का आदी है। आए दिन नशे में घर पहुंचकर पत्नी से मारपीट करता था। बच्चे ये सब सहन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बेटी ने पिता की हरकतों का विरोध किया तो पिता ने पूरा गुस्सा बेटी पर उतार दिया। मडराग थाना क्षेत्र के अबूपुर गांव में सीरेन नामक व्यक्ति अपने घर में पत्नी से झगड़ा कर रहा था, जिस दौरान उसकी बेटी बचाव के लिए आई और उसने अपनी बेटी को गोली मार दिया, जिस पर मृतका के मामा ललित सिंह ने तहरीरी सूचना दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच चुकी है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।